हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मानी कुरैशी ब्लॉग चैनल और आज हमारी स्पेशल डिश है कटाकट। हम कटाकट बनाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनाते हैं और तो उसका तरीकेकार क्या है, ठीक है। और आज की हमारी रेसिपी है चिकन है, उसकी कटाकट होता है ना वो है, और आज हम बनाएंगे उसको। तरीकेकार क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक प्याज लेनी है, इस तरह से पीस काटना है और फिर कढ़ाई में तेल डालना है। कढ़ाई में तेल डाला आपने, तेल डालने के बाद चूल्हा लगाया, तेल ज्यादा हो गया शायद, कोई मसला नहीं, उठा के इसमें डाल देनी है। बस ये डालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, उसको बस हल्के से इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा तरीके का और क्या क्या है। मान लेंगे गर्म मसाला लेंगे आप, पूरा लकड़ियां लेंगे आप, ये दालचीनी लेंगे और लौंग लेंगे, बाकी पत्ते लेंगे, लकड़ियाँ लेंगे और इस तरह से इसको भी लेंगे। गरम मसाला तो नहीं, हल्दी, धनिया, नमक, पिसी मिर्चें। अब हम जो है ना इसको साइड पर रख देते हैं, इसको साइड पर रख देते हैं, बाकी इसको ब्राउन होने देते हैं। इतनी देर में हम लोग लहसुन प्याज अदरक जो है ना उसको काट लेते हैं, कूट लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताते रहूँगा एक एक बात। इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा खाने में भी। तो गाइज ये हो रही है प्याज ब्राउन, और प्याज ब्राउन होने के बाद फिर हम लोग टमाटर और प्याज लहसुन काट लेते हैं। तो गाइज मैंने ले लिए टमाटर और चार मिर्चें और दो लहसुन और ये थोड़ी सी अदरक। अब इनको हम लोग कूट देंगे, इन तीनों को, बाकी हम ये ऐसे डाल देंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, तो गाइस ये हमने कूट लिया अभी, ठीक है। अभी हम इसमें डाल देंगे, तो अभी हम इसमें डाल दिया हम लोगों ने, बस चूल्हा थोड़ा तेज कर देंगे आप, अभी मसला नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ें चलेगी नहीं, जल्दी तो पहले भी नहीं है। बस अभी डालेंगे मसाले, ठीक है गाइस। हम मसाला डालेंगे, सारे मसाले डाल दिए हमने, आप देख सकते हैं। और अभी हम जो है ना सामान डालेंगे, चिकन के पीस डालेंगे, गैस चिकन हम डाल देते हैं इसके अंदर। आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसके अंदर पानी ऑलरेडी इसमें होता है, या खुद ही छोड़ता रहता है पानी आपका, सही, पानी खुद ही छोड़ेगा ये। अपने स्लोच पे छोड़ दिया इसको लगा के, अभी देखा तो जायका बहुत अच्छा बन जाता है। चलो इतनी देर में हम रोटी बनाए फिर। तो गैस ये तैयार हो चुका है, ठीक है, अंदर से भी गल चुका है ये सब, देखा सब गल गया ये, तो सभी निकालते हैं हम लोग। तो गाइस देखिएगा क्या, आप मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये साला, देखने में और खाने में बहुत मजा आएगा। गाइस रोटी भी तैयार हो चुकी है और ये सालन भी रेडी हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं। और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा आपको सालन, इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं डाल दिया हमने, तो कुछ कमी तो पेशी नहीं कर दी। आप देखें और बताएं रेसिपी कैसी लगी आपको। देखा जाए तो परदेशियों का खाना ऐसा होता है, ठीक है गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके गाइस, ये रोटियां हमने मेरे हाथ से, मेरे हाथ की रोटियां दोनों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए नई वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे, और अगर मेरे
चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर लाजमी करें।